आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम पनीर के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। ये सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। ये पनीर हमने 250 ग्राम लिया है, एक हरी मिर्च को ये चॉप करके रख लिया है, थोड़ा सा नमक, आटा, धनिया पाउडर और धनिया पत्ती और ये देसी घी। चलिए आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बर्तन में लिया है और इसमें आटा डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे 1 चम्मच। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी डाल दीजिए। घी से पराठे अच्छे आते हैं, इसलिए हम घी का यूज कर रहे हैं। थोड़ा पानी डाल डाल के इसको आटे को गूंथेंगे। थोड़ा सा डाला हमने आटे पर, थोड़ा और डाल देंगे। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा रेस्ट करिए, घी लगा करके इसको थोड़ा सा इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए एक प्लेट लेंगे और ये किसनी लेंगे, इसमें हम अपना पनीर पीसेंगे। इसे मोटा मोटा की तरफ से हम पीस रहे हैं। देखिए पहले हम थोड़ा मोटा वाले से करें तो ये ज्यादा मोटा मोटा लग रहा था, इसलिए ये थोड़ा पतले वाले से करें, पूरे ही पतले वाले से करें। फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे, ये धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, एक हरी मिर्च, अगर आपको ज्यादा तीखा चाहिए तो आप लाल मिर्च का यूज भी कर सकते हैं, ये धनिया पत्ता, और सबको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला एकदम से मिल करके तैयार हो गया है। अब चलिए हम अपना आटा देख लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, हमारा आटा भी फूल चुका है। चलिए अब हम इसकी लोइयां बनाते हैं। चलिए हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। लोई आप अपने हिसाब से बड़ी और छोटी कर सकती हैं। ये देखिए हम इतनी बड़ी लोई बनाए हैं। ये हमने सारी लोइयां बना करके तैयार कर ली है। अब चलिए बेलना शुरू करते हैं। इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा, इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे। हम इसको बेलना शुरू करते हैं, इस तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बेल करके इतना तैयार कर लिया है। अब इसमें हम अपना जो पनीर का मसाला तैयार किया था वो डालेंगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज्यादा। इतना आटा जो बचा है इसको तोड़ करके निकाल लेंगे। इस सूखा आटा में इसको हमने डिप कर लिया है। अब बेलना शुरू करते हैं। इसको बहुत ही आराम से बेलना होता है, ज्यादा इसमें ताकत नहीं लगानी है। देखिए ये हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। अब हम एक तरह से और आपको बताएंगे, इसको हम पूरी अच्छे से बेल लेंगे। एक तरह से तो वो हो गया और एक तरह से ये वाला बताती हूँ। इसको अच्छा पतला बेलेंगे पूरा। अब हम इसको भी एकदम पतला बेल लेंगे। आटा और लगाएंगे। अब इसमें हम अपना ये पनीर का जो मसाला तैयार किया था वो डालेंगे। देखिए इसको हम पूरे अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ, एक और रोटी बेल करके रखी है इसको भी इसी में चिपका देंगे, इस तरीके से अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये बिल्कुल वो नहीं हो। इसमें सूखा आटा लगाएंगे, इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे ताकि बिल्कुल फटे नहीं। ये हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए गैस को हम चला देंगे और तवा को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए हमने इसमें घी डाल दिया है थोड़ा सा,
ये हमारा तवा भी गरम हो गया है, अब इसमें हम पराठा डालेंगे। देखिए ये हमारा पराठा सीख करके तैयार हो गया है, अब हम दूसरा पराठा इसमें डालेंगे। इसको हम निकाल करके रख लेते हैं और अब हम इसमें ये पराठा डालेंगे। इसे भी धीमी आंच पे पकाएंगे, गैस को मंदी रखेंगे और इसे हम पलटा देंगे। घी लगाएंगे, पराठा देसी घी से भी अच्छा लगता है। पलटाएंगे और अच्छे तरीके से लगा देंगे और धीमी आंच में पकने देंगे। देखिए बबल्स आ रहे हैं, पराठा अच्छे से पक रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है। इसे इस तरीके से हम पलटा देंगे। हमारा पराठा एकदम पक कर के तैयार हो गया है, धीमी आंच में पकाया है और इसे भी हम निकाल करके रख लेंगे।